पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर यूएन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राहुल गांधी का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि खुद राहुल गांधी ने माना है कि कश्मीर में लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इसके बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से सफाई आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से असहमति रखता हूं, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान या दुनिया के किसी देश के लिए इसमें दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल ने एक और ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का समर्थन के रूप में कुख्यात है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राहुल गांधी के नाम का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने भी घाटी के हालात पर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं। इट्स अ वेरी सैड थिंग बट द प्रेस पीपल हु वर विद अस वर मिसहैंडल्ड, सम ऑफ देम वर बीटन। इट इज वेरी क्लियर दैट थिंग्स आर नॉट नॉर्मल इन जम्मू एंड कश्मीर। इस चिट्ठी में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। महबूबा के हवाले से लिखा गया है कि इन नेताओं ने आर्टिकल 370 हटाने को कश्मीर के लिए काला दिन करार दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन दोनों नेताओं समेत करीब 2300 और लोगों को भी कश्मीर में नजरबंद किया गया है। बता दें कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान की ओर से एकाएक अलग अलग तरह से दावे किए जा रहे हैं और हर दावे के साथ कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले को गलत करार दिए जाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। वहीं अब पाक ने यूएन को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया है। न्यूज़ डेस्क।